का एक बार फिर से अपने इस खास कार्यक्रम मैं भी हूं मैदान में स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं बहुजन समाजवादी पार्टी से मेयर पद प्रत्याशी श्री लाखन सिंह सैनी जी। बात करेंगे उनसे और जानना चाहेंगे किस तरह के विकास के मुद्दों के साथ में वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। लाखन जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। किस तरह के मुद्दों के साथ में आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? समस्त महानगर वासियों को सर्वप्रथम मैं नमस्कार करता हूं, आदाब करता हूं। बहुजन समाज पार्टी ने प्रथम बार सिंबल से मेयर प्रत्याशी उतारे हैं। हमारा जो फोकस रहेगा महानगर में वो मलिन बस्तियां, दलित बस्तियां, पिछड़ी बस्तियां, शोषित बस्तियां, मुस्लिम बस्तियां और जो महानगर में 2001 में 19 गांव जोड़े गए हैं जो आज तक उपेक्षित हैं, वह हमारी प्राथमिकता पर रहेंगे। बात करें लाखन जी, अभी तक कोई भी आज तक मेयर के पद पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अभी तक कोई भी मेयर नहीं बना, आप ऐसे में एक ऐसे कैंडिडेट आ रहे हैं जो कि विपक्षों की नज़र में खटक रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं, किससे आप अपनी फाइट मानते हैं? देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूँ। बहुजन समाज पार्टी पार्टी के साथ मिशन है हमारा। हम इस बात को ना कभी कहते हैं, हम करने में विश्वास रखते हैं। और बहुजन समाज पार्टी ने जिस उम्मीद और आशा के साथ आपके इस भाई को चुनाव मैदान में उतारा है, मुझे सभी समस्त महानगर वासियों का, हिंदू और मुस्लिम, सिख ईसाई सभी भाइयों का प्यार और स्नेह मिल रहा है। मैं सभी के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस चुनाव को लड़ रहा हूँ और इस जनता और महानगर वासियों का आशीर्वाद मेरे साथ है। मुझे ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर साक्षी है कि जो जनता की आवाज़ है वो न काले खुदा है, और निश्चित इस बार आप बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने में अपना महान योगदान प्रदान करेंगे, ऐसी आशा और उम्मीद के साथ मैं लोगों के बीच में जाकर के अपील कर रहा हूँ। अच्छा, क्या चुनावी मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों को ऐसा आप मानते हैं जो कि अभी पिछले टाइम से नहीं हुए हैं और अब आपको पूरे करने चाहिए? देखिए, महानगर में बहुत सारी समस्याएं हैं। जो भी मेयर अब तक बने हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहूँगा, लेकिन वो ऐसे परिवारों से आए हैं जिन्होंने ना गरीबी देखी, ना कभी मलिन बस्तियां, पिछड़ी बस्तियां, शोषित बस्तियों में उनका कभी आवास निवास रहा है। वो राजा महाराजाओं परिवार से रहे हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ शौक रहा है राजनीति, जनता का दर्द उनके ना मन में था ना। तो आप चुनावी मुद्दे क्या रखेंगे, अपने कोई चुनावी मुद्दा आपने अगर सोचा हो कि यदि अभी से मैं इस चुनावी मुद्दे को लेकर चलूंगा तो मेरी सीट निकल सकती है? जी जी, मैंने आपको प्रथम पहले ही बताया कि मेरा जो फोकस है, मेरा जो प्रथम दृष्टा ध्यान है वो मलिन बस्तियों पर, दलित बस्तियों पर, उपेक्षित बस्तियों पर, मुस्लिम बस्तियों पर, पिछड़ी बस्तियों पर और जो महानगर के किनारे के गांव जो इसमें जोड़े गए हैं 19, वह मेरे क्षेत्र विकास के सबसे महत्वपूर्णता मतलब प्रथम दृष्टा रहेंगे। स्मार्ट सिटी को लेकर के आपसे अगर सवाल करें तो क्या आपकी प्रमुखता स्मार्ट सिटी के लिए आप सोचते हैं? देखिए, स्मार्ट सिटी में हमारा जो ज़िले का स्थान है वो बहुत नीचे चला गया है। हम लोग कुछ कमियां पुराने नेताओं की, पुराने मेयर की रहीं जो वो स्मार्ट सिटी में अपना नाम दर्ज नहीं करा पाए। मेरी संपूर्ण कोशिश, अथक प्रयास रहेगा कि महानगर को हम स्वच्छ बनाएं। महानगर में जो जगह जगह पर कूड़ा घर हैं, नालियां और नाले पटे पड़े हैं और सड़कों पर धूल और मिट्टी है, इन सबको हम हटा करके एक अच्छा स्वच्छ महानगर बनाएं जो पूरे विश्व में पीतल बस्ती के नाम से जाना जाता है। और हम स्मार्ट सिटी के लिए अथक प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा शहर भी स्मार्ट सिटी में सम्मिलित। बात करें, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं किस तरह से आपको प्यार मिल रहा है जनता के बीच में? मैं किन शब्दों में महानगर की जनता का धन्यवाद करूं कि मुझ जैसे भाई को, अपने इस बेटे को महानगर वासियों ने इतना स्नेह और प्यार दिया है। मैं और मेरा परिवार हृदय की गहराइयों से महानगर वासियों को धन्यवाद बोलना चाहते हैं, उनको नमन करना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत ही स्नेह और प्यार मुझे महानगर में दिया है और उन्होंने एक आवाज़ भी निकाली है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी आपका भाई लाखन सिंह सैनी को जिता करके वह इस शहर का मेयर बनाएंगे और मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उनके साथ कार्य करूँगा और शहर का विकास कराऊँगा। जनता से कोई खास अपील आप करना चाहें? मेरा समस्त नगरवासियों से
माताओं बहनों से, भाइयों से, पिता तुल्य बुजुर्गों से एक ही निवेदन और एक ही अनुरोध है कि मुझे एक बार सेवा का मौका दें। पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ मैं शहर के विकास में, शहर के अमन और शांति में, शहर को भाईचारा कायम करने में और गंगा जमनी तहजीब को कायम करने में मैं अपना संपूर्ण योगदान दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार फिर धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ महाराज की जनता का, जो उन्होंने मुझे प्यार दिया। इस प्यार को बरकरार रखते हुए 29 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबा करके अपने इस भाई को सपोर्ट करें, वोट करें और भारी मतों से विजयी बनाएं। ये तो बहुजन समाज पार्टी से मेयर पद प्रत्याशी लाखन सिंह सैनी जी, जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे इस खास कार्यक्रम में। देखना होगा कि 29 तारीख को जनता किसको वोट देगी। बने रहिए हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं भी हूँ मैदान में।